हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस के। मेरा नाम जयश्री है एंड आज मैं आपसे बात करूंगी साइड इफेक्ट ऑफ हैंड सैनिटाइजर के लिए। क्या हमें बच्चों के लिए हैंड सैनिटाइजर कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंट यूज में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे वीडियो में नीचे सब्सक्राइब बटन देखेंगे, रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ हैंड सैनिटाइजर इन किड्स। तो बेसिकली बच्चों में देखा गया है कि अगर हम बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं या सैनिटाइजर को अगर हम फ्रीक्वेंट यूज में ला रहे हैं तो उस केस में बच्चों में साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट बच्चों में ऑब्जर्व किया गया है वो है इरिटेशन। स्किन में इरिटेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है अगर हम बहुत ज्यादा सैनिटाइजर कंटिन्यूस यूज में ला रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैंड सैनिटाइजर जो होते हैं वो एल्कोहल बेस्ड है जो कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव है। तो कोरोना वायरस के लिए जो एल्कोहल बेस्ड आप हैंड सैनिटाइजर परचेज करते हो उसमें एल्कोहल की जो क्वांटिटी होती है वो अराउंड 60-90% होती है। और एल्कोहल जो है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग केमिकल है और इस स्ट्रांग केमिकल के यूज करने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्किन में ड्राइनेस प्रोड्यूस हो जाती है। जब स्किन ड्राई हो जाती है और हम इसको कंटिन्यूस बच्चों की स्किन पे यूज कर रहे हैं जो बेसिकली अभी बहुत डेलिकेट है, अगर हम उस पर यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। इससे बच्चों में रेडनेस, स्किन में रेडनेस आ जाती है या स्किन में दाने आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें देखी गई है। तो इसलिए बेटर है हैंड सैनिटाइजर को एक लिमिटेड अमाउंट पे यूज करिए और राइट टाइम पे यूज करिए। अब राइट टाइम की बात करें तो जब आप घर से बाहर हो और आपके पास सोप एंड वॉटर का ऑप्शन नहीं है, साबुन और पानी नहीं है, तब उस टाइम पे आप हैंड सैनिटाइजर को यूज करिए, अदरवाइज इसको यूज मत करिए। जैसे अगर आप घर पे हैं और बच्चा बाहर से खेल के आया है या बच्चे के हाथ बहुत ज्यादा गंदे हैं, मिट्टी से सने हुए हैं, तो ये हैंड सैनिटाइजर इफेक्टिव नहीं है और बेटर है आप सोप एंड वाटर को यूज करिए उस टाइम पे। अब सेकेंड साइड इफेक्ट की बात करते हैं। सेकेंड साइड इफेक्ट है एल्कोहल पॉइजनिंग। एल्कोहल पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस यूएस में ऑब्जर्व किए गए हैं। एक्चुअली यूएस में बहुत सारे बच्चों ने एल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजर था उनको लीक करने की कोशिश की, उनको खाने की कोशिश की, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर जो होते हैं कुछ होते हैं परफ्यूम बेस्ड होते हैं, उनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, तो बच्चे बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं। तो बच्चे जब टेम्प्ट होते हैं और उनके टेस्ट को और सैनिटाइजर के टेस्ट को लेना चाहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने सैनिटाइजर को टेस्ट किया और टेस्ट करने की वजह से उन्हें एल्कोहल पॉइजनिंग हो गई। अब एल्कोहल पॉइजनिंग के केस में बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे बच्चों को पेट में दर्द होता है, कुछ बच्चे एक्सट्रीम केस में कोमा में चले जाते हैं, शुगर लेवल एकदम से कम हो जाता है या आंखों में इरिटेशन होती है, तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में देखे गए हैं। अब थर्ड साइड इफेक्ट की बात करते हैं। थर्ड साइड इफेक्ट है फ्रेग्रेंस एलर्जी। तो कुछ बच्चों में एलर्जी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हैंड सैनिटाइजर जो होते हैं वो बहुत सारे फ्रेग्रेंस बेस्ड आते हैं, परफ्यूम बेस्ड आते हैं, तो परफ्यूम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परफ्यूम यूज करते हैं, तो उससे अगर हम फ्रीक्वेंट यूज में हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो बच्चों में फ्रेग्रेंस रिलेटेड एलर्जीज भी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस केस में बेटर है आप फ्रेग्रेंस बेस्ड हैंड सैनिटाइजर मत यूज करिए, बेटर है आप परफ्यूम फ्री हैंड सैनिटाइजर यूज करिए बच्चों के लिए, और वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। अब जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हैंड सैनिटाइजर उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि सोप एंड वाटर होता है। तो सोप एंड वाटर से जो हाथ क्लीन होते हैं वो हैंड सैनिटाइजर से उतने इफेक्टिवली नहीं हो पाते हैं। तो बेटर है अगर आप घर पे हो तो आप सोप एंड वाटर का ऑप्शन ही लीजिए, हैंड सैनिटाइजर्स को आप घर पे यूज मत करिए। एंड सेकेंडली, अगर बच्चे के हाथ बहुत गंदे हैं, जैसे अगर उसके हाथ मिट्टी वाले हैं या ऑयल वाले हैं, तो हैंड सैनिटाइजर इफेक्टिव नहीं रहता है। तो बेटर है उस टाइम पे भी आप सोप एंड वाटर को यूज करिए। अगर आप बाहर हैं, अगर आप किसी मॉल में हैं या किसी बड़े शॉप में हैं, तो बेटर है आप वहां पे सोप एंड वाटर अरेंज करके बच्चों के हाथ धुलाइए। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स बच्चों में देखे गए हैं।
तो बेटर है अगर आप इन साइड इफेक्ट से दूर रहना चाहते हो तो आप हैंड सैनिटाइजर्स को कम से कम और एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करिए। और अगर आप बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत एक टाइनी अमाउंट ही सफिशियंट होता है जर्म्स को किल करने के लिए। और बच्चों को अच्छे से सुपरवाइज करिए जब आप उनको हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दूसरों के साथ जरूर जरूर इसको शेयर कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा मेरे लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।